अगर ये किसी शो में गेस्ट भी जाती है ना तो वो होस्ट बन जाती है, मुझे पता है। और ये अच्छी बात है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट बाय द वे। कुछ गेस्ट होते हैं जो पत्थर के बने होते हैं, लेकिन कुछ गेस्ट होते हैं जो आप इतना बोल रहे होते हैं कि होस्ट चुप कर रहा है, आप ही बोल लो दादा ही शो है। तो यही होता है ना, तो होस्ट होना भी चाहिए। निधा भी यही करती है, वो कह रही होती है अच्छा बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू नताज, मैं अगली बार शुरू कर देती हूं। तो वो आगे उसको कैमरे में देख के बोलती है ब्रेक लाओ, ये तो खैर चुप नहीं होंगे तो चले हम ब्रेक पे जाते हैं। अच्छी बात है, और ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि जो गेस्ट इतना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है वो शो की जान बन जाता है। मैंने भी मॉर्निंग शोज जो है होस्ट किए, मैं कुछ गेस्ट ऐसे आते हैं जिनसे आप एक सवाल करो और बताएं फिर आपका एक्टिंग करियर कैसे स्टार्ट हुआ, बस हो गया था। आगे तो बोलो, अगला सवाल सोचने तो दो, टाइम तो दो, अगला सवाल मैं बात से बात निकालूंगी। पत्थर तो ऐसे ऐसे गेस्ट के साथ क्या करती थी? मुझे भी मुझे टिप्स चाहिए। मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस था। मेरा तीसरा शो था जब मैं लाहौर से एक शो करती थी न्यूज चैनल का, मेरा वो तीसरा शो था। मेरा भी तीसरा शो। और एक हमारी बड़ी अच्छी मॉडल है, एक्ट्रेस भी है, वो आई और तीन नाम ले लोगे तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका नाम लेने में। 3 घंटे लगाए उन्होंने पहले तो तैयार होने में, मुझे लाइव शो था, मुझे पहले का आधा घंटा। अब ये मैं घर जाऊंगा 3 घंटे तैयार हो रही है, कौन है? नहीं अच्छी दोस्त है, अच्छी है, लेकिन बस वो बोलती कम है। हाँ, तो नाम बताओ। ज़ारा शेख। ज़ारा शेख, ठीक है, ज़ारा शेख, ठीक है, ठीक है। वो अब क्योंकि मेरे पहले के 5-6 शोज बिल्कुल सोलो सोलो सेलिब्रिटीज के साथ थे, जैसे मोमर राना भी आया और नदीम बेग साहब भी आए सारे, तो ये मेरे सामने आके बैठ गई है। मैं सवाल कर रही हूँ जान के, अगला सवाल मैं ज्यादा लंबा कर रही हूँ कि ये बीच सवाल में से जवाब छोटे हैं, इतने इतने जवाब आ रहे हैं। अरे आगे तो बोलो। मतलब मेरा वो लाइव शो अयाज, मेरा वो लाइव शो, और मैंने ना पहले तो मैं थोड़ा घबराई कि मैं चुप हो गई, नहीं वो मैंने होने नहीं दिया। क्या बात कर रही है? मेरा पहले कुछ सेकंड्स में मेरा मीटर वो हुआ कि यार अगर मैं ना बोली, ये लाइव शो है तो ये तो बात मेरे पे आ जाएगी ना, इसको तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो मैंने फौरन फिर अपना दिमाग चलाया कि पहले से दिमाग में सोचना शुरू कर दो अगला सवाल क्या, क्योंकि ये औरत तो नहीं बोलेगी। और जब सवाल नहीं रहा तो चलते शो में नताशा करे फ्री ना जाए, स्क्रीन फ्री ना जाए, जवाब नहीं आया, एवी एवी बोलती रही हूं मैं, पता है।